वहीं जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीपाली दौरे पर रहे, जहां पर सुमेरपुर पहुंचने पर जिला परिषद सदस्य हरिशंकर मेवाड़ा नेत्रा सरपंच के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया, जिसके बाद मालवीय विभागीय अधिकारियों के साथ जवाई बांध पहुंचे, जहां उन्होंने जवाई बांध का अवलोकन किया और बांध में उपलब्ध जल राशि और अन्य जानकारी लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। अभी इसका लेवल में कितना अंतर है? सही में अभी पानी है। बता रहे हैं कि जवाई बांध का अवलोकन किया गया, पाली के दौरे पर रहे जल संरक्षण मंत्री, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय का पाली दौरा है। अभी मंत्री महोदय ने कहा वो गेट नंबर 2 है, ये गेट नंबर 2, इस पे अभी लिखा हुआ है ये ऐसी गैस इसकी भी अपने डीजल ऑपरेशन भी लगी चम्बर में लगा। आप ये चीज और जयपुर वाले भी पेपर देख कर इसमें तो बहुत बड़ी स्थिति हो गई। पूरे जोधपुर डिवीज़न के लिए एक जीवनदायिनी है और इस क्षेत्र के लोग और जनप्रतिनिधि सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि इतना पुराना डैम बन के तैयार हुआ और इसके वजह से आज इस क्षेत्र की पेयजल और सिंचाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। मैं WRD का मिनिस्टर हूं और इस डैम को देखने के लिए मैं अपने दोनों ही विधायक साथियों के साथ में और विभाग के तमाम अधिकारी चीफ इंजीनियर के सब साथ हम सभी यहाँ पे आए हैं। डैम की लेवल जो खोलते हैं डैम की गेट को, उस लेवल के आसपास पानी भर गया और हमने एक गेट नंबर 2 को ट्रायल के रूप में खोल के देखा मुश्किल से 2 मिनट और बहुत खुशी और बहुत प्रसन्नता हुई कि इस बार ये तालाब पूरा भरा है और उम्मीद करते हैं कि और बरसात गिरे, बरसात का पानी और इसमें आ जाए और पूरे पूरे गेट खुले, ऐसा इंद्र देवता से हम सब प्रार्थना करते हैं। जल संसाधन मंत्री मालवीय जी विभाग संभालने के बाद लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और जवाई बांध के पुनर्भरण के लिए 2 नए बांध कोटड़ा के आसपास भुज और मंडारिया उन्होंने मंजूर किए हैं, जिससे जवाई बांध क्षेत्र से लाभान्वित होने वाले नागरिकों किसानों में बहुत बढ़ोतरी होगी और आज जवाई बांध की जो भराव क्षमता 59.54 फीट हुई है और 59.5 पर खोलने का प्रावधान रहता है, तो मंत्री जी ने उसको चेक भी किया है और अभी जोइला बियर जो आपके द्वारा मंजूर किया गया है उसकी भी कार्य की प्रगति की आप जानकारी लेंगे। मैंने आपसे विनती की है कि भुज और जो बांध कोटड़ा तहसील के पास में 2 नए स्वीकृत हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर के उनका दीपावली के पश्चात शिलान्यास कर रहा है।